की राजनीति में अब एक राजनीतिक दलों ने नया कार्ड भी चल लिया है, जहां जिसकी सरकार है अब उसने सिटिंग विधायकों की टिकट काटने शुरू कर दिए हैं। हाँ। उनको लग रहा है कि भाई हम विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी को हम क्यों लें, इसलिए जहां जहां पर मजबूत मुख्यमंत्री है उसने इस बात को खुल के बोलना शुरू कर दिया अपनी पार्टी फोरम पे। क्या लोकसभा में जिस तरीके से आपने कहा था कि विधानसभा में जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार उसकी इस सरकार क्या पार्टियां उनके टिकट को काट देती हैं, क्या लोकसभा में ऐसा होने की चांसेस आपको लगते हैं? देखिए सर, ये तो पार्टी नहीं, मैं पार्टी डिसाइड करेगी, हर पार्टी का अपना एक नेटवर्क होता है। नीचे से लेकर आजकल पार्टियां सर्वे भी कराई हैं, थर्ड पार्टी सर्वे भी आजकल बहुत चल रही हैं पार्टियों के, तो उनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर वो देखेंगे। और हर पार्टी यही सोचती है कि भाई हम बेस्ट कैंडिडेट दें, तो उसमें उन पार्टियों के ऊपर ही रहता है। और सर्वे तो आजकल हर पार्टी कराती है, तो कैंडिडेट के एंडिंग और हर पार्टी की कोशिश यही रहती है कि भाई जिसके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी उसका टिकट कटना चाहिए। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए और उसमें नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंथन करने वाले लोग हैं जो मंथन करते हैं और वो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, और यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और साथ में नरेंद्र मोदी जी जो कि सेंटर में हो और उनका जिक्र करके हर चुनाव जीता जा रहा हो, उस स्थिति में कर्नाटक चुनाव का हार जाना सोचने का विषय बन जाता है। विवेक कंबोज जी हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य से कई विषयों पर स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, कई बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ गलतियाँ हैं तो उस पर भी इंडिकेट कर देते हैं। इन्होंने 5 घंटा पहले अब से जब मैं बैठा हूँ इन्होंने ये इंडिकेट किया था कि राजस्थान भी नहीं आने वाला, अपने पैर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैंने सोचा कि विवेक कंबोज जी से पूछता हूँ कि आखिर ये चीज़ लिखने के पीछे का कारण क्या है और कर्नाटक चुनाव की स्थिति परिस्थितियों कैसे देख रहे हैं। नमस्कार अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कर्नाटक विधानसभा जो चुनाव हुए इसमें आपको लगता है कि गलती किसकी है, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी का पर्सपेक्टिव अगर हम सोचे भी तो कारण क्या है हारने का, मतलब क्या क्या परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं आपको? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जो आपके साथ चर्चा करने वाला हूं मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र रूप से चाह रहा हूं स्वतंत्र रूप से एक भारत के नागरिक, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें जो चुनाव होता है वो एक राष्ट्रीय त्यौहार है, और जैसे हम अपने संस्कृति से जुड़े त्यौहारों को खूब इंजॉय करते हैं, ऐसे एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते तो ये भी एक हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसमें भी हम सबकी कोई ना कोई भूमिका रहनी चाहिए, और वी हैव टू एंजॉय दिस इलेक्शंस। ये हमें हमारे पूर्वजों ने हमारे संविधान के माध्यम से हमें मौका दिया है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया में किसी ना किसी प्रकार से हिस्सा लेना चाहिए, और अपनी सोच के हिसाब से अगर उस पर जिस तरह की उसकी परिस्थितियां बनती हैं, अगर वो खाली एक वोटर के रूप में रहना चाहता है तो एक वोटर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन उसको लगता है नहीं कोई पक्ष ऐसा है जो वैचारिक रूप से उसके करीब है और मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए तो उसको सपोर्ट भी करे। आई डोंट थिंक इट इज एनीथिंग रॉन्ग इन सपोर्टिंग अ आइडियोलॉजी और अ पार्टी और अ कैंडिडेट हु सूट्स योर। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बेसिस पर आप अपना पर्सपेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल उसी विषय पर, है ना? तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब आप स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपने बुद्धि को किसी बंधन में नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और विचार स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहना चाहिए और स्वतंत्र तरीके से ही उसको पेश करना चाहिए। तो मेरा यही आपसे जानना है, चूंकि आपने लिखा कि राजस्थान में भी ऐसा ही होगा और कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने आप अपने पैरों पर, किसके लिए लिखा आपने? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक तो हमको आज भारत की जनता के बारे में समझना होगा, और अगर हम भारत की जनता की राजनीतिक जागरूकता को समझना चाहें तो उसका सबसे सटीक उदाहरण कोई बैठता है तो वो बैठता है 2019 का उड़ीसा का चुनाव। हम सबको पता है कि 2019 में जब देश में लोकसभा चुनाव हुए उसी के साथ उड़ीसा का विधानसभा चुनाव भी हुआ, और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसको एक गरीब प्रदेश माना जाता है, एक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी जनसंख्या का भी है, अर्बनाइजेशन वहाँ बहुत कम है, करेक्ट, उसे मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला राज्य माना जाता है। उस राज्य के जब नतीजे आए तो वह असली भारत की तस्वीर थी। उड़ीसा ने दिखाया कि भारत का व्यक्ति कितना चिंतनीय है और वो कितनी स्वतंत्र सोच वाला है। उड़ीसा जैसे राज्य जिसमें मतदान हुआ लोकसभा और विधानसभा का 7-7 चुनाव हुआ,
दो ईवीएम थी, एक ईवीएम लोकसभा की थी, एक ईवीएम विधानसभा की थी, और मुझे नहीं लगता एक से डेढ़ फीट का डिफरेंस दोनों ईवीएम के बीच में होगा। बिल्कुल। और जब 2019 का लोकसभा के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग मेरे ख्याल से 42% वोट मिले और विधानसभा में उसको सीधा 6% का नुकसान हो गया। ठीक है। सीधा बीजेपी को विधानसभा में 36% वोट मिले, लोकसभा में 42% वोट मिले। तो आप ये देखिए, मतलब 1.5 फुट की ईवीएम की दूरियां थी और उसमें 6% का डिफरेंस आ गया। किसमें? उड़ीसा जैसा राज्य जिसको कि एक बोला जाता है कि वह उतना एडवांस नहीं है, अभी बहुत पिछड़ा राज्य है, वहां माना जाता है गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पढ़ाई लिखाई भी कम, तो वहां का व्यक्ति भी इतना जागरूक था कि उसने विधानसभा और लोकसभा में अलग से प्रशिक्षण बनाया कि मुझे लोकसभा में कौन चाहिए और विधानसभा में मुझे ये चाहिए। हाँ। और ये सिर्फ 6% नहीं होगा। हाँ। 6% वोट तो बीजेपी का कम हुआ, मैं मानता हूं कि कम से कम 1% मतदाता ऐसा होगा जिसने लोकसभा में हो सकता है बीजू जनता दल के लिए वोट करा और असेंबली में बीजेपी को कर दिया, और कम से कम 1% वोट ऐसा होगा जो स्विफ्ट हुआ होगा बीजू जनता दल और कांग्रेस के मध्य। तो अगर हम माने तो कम से कम 8 से 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने 1.5 फीट की ईवीएम की जो दूरियां थी उन्हीं में अपना माइंड बदल लिया कि कहां मुझे कमल दबाना है, कहां मुझे बीजू जनता दल। मतलब ये कि लोग समझदार है, लोग समझदार है, लोग अब इतने पॉलिटिकली इंडियंस आर वेरी अवेयर। ये बात हमको समझनी होगी कि हम ये माने कि भारत का नागरिक को हमने बहका दिया, नहीं, भारत के नागरिक को कोई नहीं बहका सकता। उसके माइंड में जो प्रसिप्शन बन गया वो उसी हिसाब से चलता है, और उड़ीसा का उदाहरण इसका स्पष्ट उदाहरण है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा माना जाता है जहां पर आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, वहां दिसंबर में चुनाव हुए और भारत के राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि 6 महीने का पीरियड जो होता है वो हनीमून पीरियड माना जाता है कि भाई पहले 6 महीने स्टेट गवर्नमेंट कोई चुनाव नहीं हारती। जनवरी में वहां मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, 2/3 बहुमत कांग्रेस को आया और सबको उम्मीद थी कि 4 महीने बाद मई में चुनाव हुए लोकसभा के कि भाई अभी तो वहां पे तो कांग्रेस का हनीमून पीरियड चल रहा है और 11 में से 11 कांग्रेस ले जा सकती है, कई ओपिनियन पोल्स ने भी ये बताया। लेकिन विद इन 4 मंथ्स क्या हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 11 में से 9 सीटें ले गई, जिस छत्तीसगढ़ में 15 साल की उसकी गवर्नमेंट धाराशाही हुई, 2/3 बहुमत कांग्रेस को विधानसभा में मिला लेकिन लोकसभा में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ले गई। और किस क्षेत्र में, जिसको आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, ऐसा ही एक और आदिवासी बहुल राज्य झारखंड। झारखंड में 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने 51% वोट लिए, पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई एक पार्टी 51% वोट ले गई, और 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी साफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आ गई। तो ये भारत की जनता है, मतलब भारत की जनता। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप इसको अब जो आप समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, ये पॉलिटिकल एनालिसिस है जो कहीं ना कहीं आप इसको एनालाइज करेंगे, परसेप्शन को समझिए कि मेन चीज ये हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो विधानसभा में किसी और तरीके से देखते हैं। बिल्कुल। और जब लोकसभा की बात आती है, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तो उनकी सोच अलग है, अलग होती है। प्रधानमंत्री के रूप में कोई और चाहिए, मुख्यमंत्री के रूप में कोई और चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज बता सकते हैं चूंकि आप इतने स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लोग अधिकतर पार्टियों के प्रति उनका आस्था ज्यादा रहता है या व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति आस्था रहता है? देखो, भारत की राजनीति में 3 तरह के वोटर है। एक वोटर है जो विचारधारा से बंधा हुआ है, जिसको हम कमिटेड वोटर बोलते हैं। और उसमें मूल रूप से अगर हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के पास माना जाता है कि एक सबसे बड़ा ज्यादा कमिटेड वोटर कहीं है तो बीजेपी का है। कम्युनिस्टों के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से बंगाल से वो थ्योरी अब खत्म हो रही है कि क्योंकि बंगाल में देखा कि बिल्कुल उनका कमिटेड वोटर रहा ही नहीं, कहां वो 25-30% मानते थे लेकिन अब वो 1% के करीब रह गया। तो केंद्रीय पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी के पास एक कमिटेड वोटर है जिसको बीजेपी को वोट करना है, वो विचारधारा से बंधा हुआ है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कमिटेड वोटर है। इसके अलावा कुछ वोटर ऐसा है जो किसी एक नेता के करिश्मे से आ जाता है, खास करके वो साउथ में बहुत देखा गया है, वहां पे जयललिता जी का करिश्मा चलता था, करुणानिधि जी का चलता था, एनटी रामाराव का चला। तो साउथ में पर्सनैलिटी बेस्ड वोटर ज्यादा है, जो पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज से 6-7 साल पहले पूरी राजनीति की जो तमिलनाडु की जितनी भी मीडिया थी वो सब इस बात पे रुकी हुई थी कि क्या रजनीकांत एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। पूरे मतलब वहां पे सारे राजनीतिक पंडित इस बात पे आ गए थे कि अभी राजनीति भविष्यवाणी हम तमिलनाडु के बारे में नहीं करेंगे जब तक रजनीकांत का स्टैंड क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रजनीकांत की एंट्री
पॉलिटिक्स में हो गई तो पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। तो साउथ की, इसलिए साउथ में देखा गया कि वहाँ फिल्म स्टार बड़ी जल्दी राइज करते हैं पॉलिटिक्स में, खास करके तमिलनाडु की राजनीति में। तो इसी प्रकार से बाकी जगह भी हमने देखा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का भी एक कमिटेड वोटर है, वो चाहे उनके जातीय समीकरणों के हिसाब से है, बीएसपी का एक कमिटेड वोटर है। लेकिन जो भारत की राजनीति का निर्णायक मतदाता है वो है यहाँ का फ्लोटिंग वोटर, और वो बहुत बड़ी संख्या में होता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। यही बात जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फोकस ये लोग फ्लोटिंग वोट्स पे करते ही नहीं। बिल्कुल, मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो फ्लोटिंग वोट्स पे फोकस नहीं करते। भारत की राजनीति को देखो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी कम होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये आपका फ्लोटिंग वोटर्स डिसाइड करते हैं। फ्लोटिंग वोटर मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा तादाद में होता है। कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं, खासकर से जब से कह सकते हैं कि मोदी जी की एंट्री हुई तो एक मतदाता ऐसा आ गया है जो प्रो मोदी या एंटी मोदी में बटा हुआ है। लेकिन उसके बाद ही मुझको लगता है कि आज भी फ्लोटिंग वोटर एक बहुत बड़ी संख्या में, खासकर में जो हम मान सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो किसी भी सोशल मीडिया से भी दूर हैं और ज्यादा अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ते। देखिए, एक तो जैसे आपने बोला कि एक प्रो मोदी और एंटी मोदी, दो चीजें हो गई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस बात पे विचार करते हैं कि नहीं यार, ये चीज, ये काम ठीक नहीं है, ये काम खराब है। मतलब कुछ लोग हैं जो डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, कुछ लोग इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स को देख रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर भी मैं समझता हूँ कि वोट्स जो है इधर उधर होता है। वो तो रहते हैं। तो कर्नाटक की अगर मैं बात कर रहा था, मैं आपसे फिर वहीं आता हूँ। मैं कर्नाटक में बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या अच्छा कर दिया और बीजेपी ने ऐसा क्या बुरा कर दिया जिस वजह से ये वोटर, चूंकि 104 सीटों से आप 66 सीट पर आ गए, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आखिर कुछ तो होगा। और कांग्रेस जहां पे सरकार नहीं बनी थी इस पर सरकार बन गई, तो क्या किया है कांग्रेस ने आपके हिसाब से और बीजेपी ने क्या नहीं किया? देखिए, कर्नाटक का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सीटों में बड़े ही डिफरेंस हो, लेकिन पिछली बार बीजेपी को 36.35 समथिंग वोट मिले थे और इस बार 36% वोट मिले हैं, तो सिर्फ 0.35% बीजेपी का वोट कम हुआ है। हाँ, जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा जी की पार्टी है उसका 5% ड्रिफ्ट हुआ। कांग्रेस पिछली बार 38 पे थी, अब की बार सीधा 42-43 पे आ गई और देवगौड़ा की पार्टी 18 से सीधा 13% पे आ गई। तो जो 5% देवगौड़ा की पार्टी का शिफ्ट हुआ कांग्रेस में, वो उसको सीधा 64 से 134 सीट पे ले गया। और ये डायनेमिक से भाई, ये तो सीधा है भाई, जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। और बीजेपी वहीं पे रहा, बीजेपी 36.35 से 36 पाई, लेकिन सिर्फ 0.35 डिफरेंस में। क्या इस बात, ये तो मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप हॉल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे तो देखो, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी, अगर हम बीजेपी की प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो एक सत्यता है कि भारत की राजनीति एक माइक्रो लेवल पे पहुंच चुकी है, उसको आप मैक्रो लेवल पर नहीं देख सकते। भारत की राजनीति आज एक माइक्रो लेवल पर जा चुकी है, उसमें ग्राम से लेकर के केंद्र तक अलग अलग स्टेप्स हैं। आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका लोकल लीडर, चाहे वो विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, या चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, वो भी एक करिश्मा होना चाहिए। आज व्यक्ति अपने नेता में करिश्मा चाहता है, करिश्मा चाहता, ठीक है। और देखिए, जहां तक सरकार की बात है तो हर गवर्नमेंट के साथ प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी चलती है, इसलिए माना जाता है कि प्रो इनकम्बेंसी अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी तो आप जीत जाएंगे, अगर प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी से कम हुई तो आप हार जाएंगे। तो क्योंकि हम सब मानते हैं कि जो विकास की परिभाषा है वो सबके लिए अलग अलग होती है। अब सड़कें बन रही हैं, बड़े प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है साहब, हाईवे बाईपास बनने से जो है हम तो नीचे आ गए हैं जी, हमारा तो जो है धंधा चौपट हो गया। तो विकास की जो अवधारणा है ना, वो सबके लिए अलग अलग है। देखिए मेरा अब मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं कर्नाटक को लेकर के, क्या ऐसा भी है कि, चूंकि देखिए अभी तक जितने भी विधानसभा में चुनाव होते, जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे थे, हर जगह यह माना जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है वोट दे दो, नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है वोट दे दो, नरेंद्र मोदी, आप समझिएगा इस चीज़ को, ये हर जगह की बात है। आप उत्तराखंड में भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जो विधायक जीते हैं या जीते हुए रहते हैं, जो चुन करके आ जाते हैं, जो सांसद चुन करके आ जाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये लोग
चुनने के बाद जब ये जीत जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये लोग अब जनता से वो कांटेक्ट दूर कर लेते हैं, जिस वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। नहीं, मैं तो ये स्पष्ट मानता हूँ और मैंने इस बात को कई बार लिखा भी है कि खास करके और छोटे राज्यों के बारे में तो मैंने ये नोटिस भी किया है, जैसे कई बार मैं उत्तराखंड के लिए भी बोलता था कि छोटे राज्यों में तो विधानसभा का चुनाव जो होता है वो लोकपाल सरकार के लिए करते ही नहीं है, वहां विधायक ही चुना जाता है। छोटे चुनावों में तो इवन, और इवन मैंने देखा पिछली बार कई यूपी में भी कई सीटें ऐसी थी कि ऊपर लेवल पर योगी जी का जलवा था, लेकिन मैंने कई सीटें ऐसी देखी जो बीजेपी की सिटिंग की सीट थी लेकिन वहां पर उनके विधायक हार गए। तो क्यों, और आज ये मैं भी मानता हूँ कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि उसमें क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, उसमें भले ही प्रत्याशी चेहरा ना हो, लेकिन विधानसभा में मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा तबका मुख्यमंत्री नहीं चुनता है, वो विधायक चुनता है। अच्छा, कई बार, और इसलिए आप ये देखिए, अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो भारत के प्रत्येक राज्य में, अगर आप माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करेंगे तो स्विचिंग ऑफ सीट्स भी होती हैं। ये आप एनालिसिस करिए कि अगर कांग्रेस ने 134 सीटें जीती हैं तो शायद 15-20 सीटें उसने बीजेपी को दी होंगी, जहां उसके 64 में से 15-20 विधायक हार गए, जो उसके विधायक खराब ने, जो उसके विधायकों ने खराब काम किया होगा। हर बार ऐसा होता है, तो स्विचिंग ऑफ एमएलए तो हमेशा ही होता है। और जो बात आपने कही कि इसीलिए भारत की राजनीति में अब एक राजनीतिक दलों ने नया काट भी चल लिया है, जहां जिसकी सरकार है अब उसने सिटिंग विधायकों की टिकट काटने शुरू कर दिए हैं कि उनको लग रहा है कि भाई हम विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी को हम क्यों लें। इसलिए जहां जहां पर मजबूत मुख्यमंत्री है उसने इस बात को खुल के बोलना शुरू कर दिया अपनी पार्टी फोरम पे कि भाई इतने विधायकों की टिकट काट के मैं इनकी निकम्मेपन के कारण खुद क्यों हारूं। और कई जगह इसलिए हो भी रहा है, और कई पार्टियों ने, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी कई जगह ये किया है कि उसने बड़ी मात्रा में सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं और वहां उनको एक अच्छा मिला है। और कई विधायक ऐसे भी हैं जो नौ दस दस बार बार जीत रहे हैं, लेकिन ये बात मतलब जिनका दबदबा बेहतर है, जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको तो टिकट दे दिया जा रहा है, लेकिन जो खराब काम कर रहे हैं उनका टिकट कटना ही पार्टी के लिए बेहतर है। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे मैं मानता हूँ, जैसे यूपी में योगी जी हैं या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, पहले जयललिता जी रही हैं, या उड़ीसा में बीजू पटनायक हैं, ये अपने अपने वोट बैंक के लिए, या जैसे अखिलेश यादव यूपी में हैं, मायावती बसपा में हैं, ये लोग अपने अपने वोट बैंक के लिए प्रत्याशी से ऊपर हैं, ये लोग अपने प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक ढक सकते हैं। जैसे पंजाब में जो बादल परिवार से लोगों का, जो अकाली दल का जो कमिटेड वोटर था उसमें कह सकते हैं, हरियाणा में हुड्डा जी का एक प्रभाव रहा, शरद पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभाव है, तेलंगाना में केसीआर भी एक हद तक अपने वोट बैंक को मजबूती से जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे जो करिश्माई नेता हैं, वो चाहे जयललिता जी रही हो, करुणानिधि जी रहे हो, तो इन लोगों ने अपने वोट बैंक को इतना मजबूत करा कि ये लोग एंटी इनकम्बेंसी जो विधायकों की थी उसको काफी हद तक शांत कर लेते थे। लेकिन आम जर्नल, जो हम कह सकते हैं नॉन करिश्मेटिक लीडर है, जो एक सिंपल मुख्यमंत्री है, जो उसमें वो करिश्मा नहीं है, बस वो बेचारा मुख्यमंत्री बन गया है, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। वो तो आपका करिश्मा होना चाहिए कि भाई वही कंट्रोल कर सकता है, वरना आम पब्लिक विधायक चुनती है उसको मुख्यमंत्री से, क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, क्या इन लोकसभा चुनाव में भी स्थिति देखने को मिलेगी कि जो कैंडिडेट जनता के बीच नहीं है, या जो जीते हुए जनप्रतिनिधि, जो एमएलए, अरे जो एमपीज जनता के बीच में नहीं है, क्या उनकी स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, ये कहना या सिर्फ मोदी फैक्टर फिर चल जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है कि क्योंकि एक तो लोकसभा में क्षेत्र बहुत बड़ा होने लगा है। नहीं, मैं देखिए, हाँ मतलब जो सरकार आना एक बात है, 2014-2019 ही नहीं, अगर उससे पहले भी आप 2004-2009 इनके एनालिसिस भी देखें इलेक्शंस के, तो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव अभी भी भारत की जो जनता है वो नेशनल परस्पेक्टिव पे लेती है। तो ये कहना तो कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आप प्रत्याशी अगर अच्छा काम नहीं किया, निर्णायक नहीं होता। आई थिंक जो निर्णायक नहीं होता है, जो कुछ असर तो होता है, कुछ असर होता होगा 1-2% में, कैसे कोई करिश्माई चेहरा हो। देखियो, लोकल लेवल पे, क्योंकि मैंने नहीं, वैसे तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार महाराष्ट्र में नवनीत राणा
निर्दलीय एमपी जीत कर आई, जबकि वहां पे बीजेपी और शिवसेना का बड़ा मजबूत अलायंस था और सामने एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस था, और ऐसे दो बड़े अलायंसों को पुणे में नवनीत राणा ने हराया और निर्दलीय जीत कर आई। और मैं कहते केरल से भी शायद एक निर्दलीय एमपी जीते, तो एक दो निर्दलीय एमपी हर बार जीतते हैं, तो वो करिश्मा है, पर वो अपवाद कह सकते हैं 542 सीटों में से एक दो। क्या लोकसभा में जिस तरीके से आपने कहा था कि विधानसभा में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है सरकार उसकी ये सरकार क्या पार्टियां उनके टिकट को काट देती हैं, क्या लोकसभा में ऐसा होने की चांसेस आपको लगते हैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो, कि जिसका एंटी इनकंबेंसी है, मान लीजिए कोई दो बार तीन बार एमपी रह चुका है, सांसद रह चुका है, तो क्या उसके टिकट कटने या काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में? देखिए सर, ये तो पार्टी नहीं, मैं पार्टी डिसाइड करेगी, हर पार्टी का अपना एक नेटवर्क होता है नीचे से लेकर। आजकल पार्टियां सर्वे भी कराई हैं, थर्ड पार्टी सर्वे भी आजकल बहुत चल रहे हैं पार्टियों के, तो उनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे वो देखेंगे। और हर पार्टी यही सोचती है कि भाई हम बेस्ट कैंडिडेट दें, तो उसमें उन पार्टियों के ऊपर ही रहता है। और सर्वे तो आजकल हर पार्टी कराती है, तो कैंडिडेट कैंटिंग और हर पार्टी की कोशिश यही रहती है कि भाई जिसके खिलाफ ज्यादा इंडिकमेंसी उसका टिकट कटना चाहिए। अच्छा, तो राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी, आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का असर कह सकते हैं क्या कर्नाटक में होगा? नहीं नहीं, देखिए सर, भारत जोड़ो यात्रा का असर हो सकता है, नहीं हो सकता, हाँ ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो सुप्त कार्यकर्ता था उसमें कहीं ना कहीं जोश आया है। अच्छा, लेकिन वही एक निर्णायक रही, मतलब वो भी एक फैक्टर हो सकता है सर, वो ही नहीं, हाँ, वो भी हो सकता है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो उसमें आया ही है। और लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की वहाँ जो लोकल लीडरशिप थी, वो सिद्धारमैया जी रहे हों, उनके प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार रहे हो, वो बहुत मजबूती से लड़ रही थी। और इधर बीजेपी यही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि येदुरप्पा जी को क्या रोल देना है, पहले उनको रिटायर करा, सीएम से हटाया, फिर उनको पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, जो पार्टी का सर्वोच्च संस्था है, उसका सदस्य बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के सपोर्टर में ये भी कन्फ्यूजन रहा, येदुरप्पा जी के सपोर्टर में भी जो उनका वोट बैंक है लिंगायत वाला, उसमें भी कन्फ्यूजन रहा कि भाई येदुरप्पा जी का क्या होगा। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी कहीं भी अब की बार वो उस तरह से नहीं थी, और कांग्रेस शुरू से ही सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के नेतृत्व में मजबूती से लड़ रही थी। और जब मैंने सबसे बड़ी बात कही कि टोटल अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वोट बैंक में कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बीजेपी को 0.35% का नुकसान हुआ, लेकिन जेडीएस से जो 5% वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी कांग्रेस में, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। तो और नहीं तो जनरली ये हो रहा था कि बाकी राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों के वोट थे वो बीजेपी को जा रहे थे, तो कर्नाटक ये अपवाद हुआ है, यहाँ पर क्षेत्रीय दल का वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। हाँ। तो ये एक नई चीज कर्नाटक में हुई है। नरेंद्र मोदी जी जब बीजेपी के लोगों के साथ जब मीटिंग करते हैं तो कई बार उन्होंने ये बात कही है कि भाई कब तक हमारे नाम पर। हाँ, वो तो मैं हमेशा, देखिए मैं तो इस बात को हमेशा कहता भी हूँ और लिखता भी हूँ कि पब्लिक को मोदी जी का आदमी नहीं चाहिए, उन्हें मोदी जी जैसा आदमी चाहिए। तो ये दे वांट देयर चीफ मिनिस्टर इज एज डायनेमिक एज पीएम मोदी। तो एक वो कहीं ना कहीं, देखिए आपको, आप कांग्रेस के भी अगर डाउनफॉल को देखें या जिस भी पार्टी ने, और आप राज्यों की भी अगर बात करेंगे, जैसे केंद्र के जीतने के लिए राज्य जीतने चाहिए, ऐसे ही राज्य जीतने के लिए जिले जीतने चाहिए। इसलिए आप देखें कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहे कितनी मजबूत हो जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहती है कि यार ये मजबूत नेता है। अब तो तेलंगाना में देख लीजिए केसीआर कितने मजबूत हैं, लेकिन आप न्यूज़ देखेंगे तो वो हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी विधायक को कांग्रेस से तोड़ते रहते हैं। और इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्र में हो, जगनमोहन रेड्डी आंध्र में हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी भी कोशिश रहती है कि यार बीच में उन्होंने मुकुल राय के लिए पूरी ताकत लगाई कि भाई इनको वापस पश्चिम टीएमसी में ले आऊं। तो हर केंद्र जीतने के लिए राज्य जीतने, और राज्य जीतने के लिए जिले जीतने। तो आज मैंने जैसे आपको कहा ना, माइक्रो लेवल तक आपको एक करिश्मेटिक लीडर चाहिए, तभी आप राजनीति में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपका बीच की एक भी दूरी टूट गई तो आप नहीं जीत सकते। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी एक लाइन में एक बात बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं, सांसदों से कह रहे हैं कि जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा, इस देश की जनता बहुत जागरूक है और उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो किसके लिए वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, कहाँ वोट दे रहे हैं।
जनता पूरी तरह डिसाइड कर ली है और जनता कहीं ना कहीं इस पूरी पॉलिटिक्स को समझ रही है कहां पर क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल उन्हें हर चीज पता है। चलिए तो दोस्तों मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव आपको समझ में आया होगा। आगे चल करके आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जो सांसद जिस तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे या कर रहे होंगे उनकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी? हरिद्वार, अब मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उन लोकसभा क्षेत्र से संबंधित आपको लगता है कौन ज़्यादा बेहतर रहा है, कौन खराब रहा है, किसकी स्थिति और अच्छी हो सकती है, किसको टिकट मिल सकता है, किसकी कट सकते हैं? आप अगर इसका कोई सुझाव या कोई भी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो विवेक कंबोजी, जो आपने समय दिया हमें और आपने जो समझाया कि हाँ ये गणित है सारा खुल करके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो विचार आप रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।